चम्मच खाएंगे। चम्मच हमारी संस्कृति है, चमचू। पांच उंगलियों से खाने का विज्ञान क्या है, जो किताब अभी मैंने लिखी उसमें जाकर देखो, लाइफ बियॉन्ड कॉम्प्लिकेशन, उस बुक में देखो पांच उंगलियों से खाने का सिद्धांत क्या है। वो याद बचपन में दाल भात सब्जी मिला के ऐसे ये पता नहीं कहां से आ गए अंग्रेज बिलायती लोग। बचपन में हमें ले गया एक आदमी डोसा खवावे को होटल, और जीवन भर हम हाथ से खाए हुए, और कहा यहां बड़े बड़े लोग हैं ध्यान से, छोटे हम थे, दे दिया कांटा वो चम्मच, हम के क्या करूं इसको, बोला कांटे को इसमें गढ़ा चम्मच से तोड़। 10 मिनट लग गए, एक ग्रास नहीं टूटा, और जब टूटा तो सामने वाले के ऊपर पूरा सांबर पड़ा हुआ था, ले खा। वो अब तो जाते नहीं, लेकिन जब उस टाइम में भी स्टूडेंट लाइफ में भी जब जाते, मैं खुलेआम अपना डोसा, पैसा हमारा तुम्हारे बाप का थोड़ी खा रहे, हाथ से डोसा तोड़ के अब एक से एक उसमें देसी मुर्गी। ओ माय गॉड, हमको चुप, ओ माय गॉड, और उसको मस्ती से सांबर में डाल के चटनी लगा के खा के ऊपर से एक रसगुल्ला ऊपर से, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, खाओ मौज, उंगली का आनंद। उंगली वो नहीं, दूसरे की जिंदगी में उंगली मत करते हो। पांच उंगलियों से खाने का आनंद अलग है, और उसके साइंस क्या है उस बुक में है, उसको पढ़ो क्या प्रभाव पड़ता है। तुम्हारे बच्चे उनको हाथों से खिलाओ, अपने हाथों से, हाथ बढ़िया परिष्कार करो, थोड़ा मिट्टी में, मिट्टी हो तब नहीं, कबूतर के दरबे में रहते हो तो कहां से लाओगे मिट्टी, गमला में मिट्टी लाओ उसमें खिलाओ बच्चों को, बोले ये गमले में तेरे को खेलना है बैठे, अब बेचारा गमला में बैठेगा किसी, कुछ तो एक जगह रखो मिट्टी का, यहां मिट्टी पे खेलें, गिरें, थोड़ा कटे, थोड़ा पत्ता लगाएं, थोड़ा उठें, मौज करें, नहीं होंगी बीमारियां। ये जो छोटे छोटे बीमारी और बड़े बड़े इलाज हो रहे हैं, नहीं होगा, रेजिस्टेंस पावर कम हो गया बॉडी का, खत्म कर दिया, क्या बना दिया इतना नाजुक बेकार, सर्दी लग जाए सुड़ 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 2 मिनट में, हमें बीच में बहुत एसी फेसी सब चलाए, हमने 4-5 साल से 7 साल सब बंद कर दिया, हमारे कमरे में बड़े बड़े एसी लगा के रखे हुए हैं, किसी के पिता की मजाल है कि एसी चला दे हमारे कमरे में, पंखा भी चले तो बड़ी बात है, नहीं तो अपना पेड़ जिंदाबाद, पेड़ के पास जाके बैठे रहो, मौज आनंद है। और मेरे शरीर की जो स्थिति थी, डॉक्टरों ने जो कहा था 14 डेज मुझे जीने के लिए, एक समय में 14 दिन जिएंगे, जीवन की चर्या, गुरु की कृपा, आह्लाद आनंद, 2400 साल हो गए और अभी भी शरीर के विभिन्न व्याधियों से ग्रसित रहता हूं, पर जितनी कथाएं, जितना यात्रा, जितने लोगों से मिलना, जितनी मुस्कुराहट, आह्लाद, सब छोटे मोटे बीमारियों को रोज पटकते रहता हूं। तो बीमारी हमें पटकेगा कि हम उसको पटकेंगे, इनके बच्चे देखो जैकेट पहना करके, वो खरगोश वाला वो मुंह में लगा करके, बच्चा कहां है इसमें ढूंढू मैं, दिखता ही नहीं, लुब लुब पीछे से ऐसे कर करके, इसमें क्या क्या ला? बोतल में बंद करके लाएंगे कुछ दिन के बाद, देखना पक्का मैं कर, इतना बड़ा बोतल लेकर के भीतर से बच्चा, उसमें भी भरा होगा कुछ, वो जो मुर्दे बचाने के लिए रखते हैं ना, वो भरा हुआ होगा, ताकि उसको He is Ronnie. How are you, Ronnie? ये जिंदगी हुई तुम्हारी, उस गांव की मिट्टी, वो गांव का अंदाज, वो जीवन, वो मिस मत करो, भूलो मत भारतवासियों, नहीं तो सच कहता हूं, वास्तव में मनोचिकित्सा का जो दौर चला है, मनोरोग का जो दौर चला है, हर घर में पागलों की संख्या होगी, सब होगा, पर तुम्हारा अपना प्यारा कोई पागल होगा, डिप्रेशन में होगा, तुम्हें चैन ना होगा, मुस्कुराते हुए फूल, मुस्कुराते हुए बच्चे, आह्लादित बच्चे, खुश होते हुए बच्चे, कम रहेगी संपत्ति पर मौज रहेगा।